इंदौर ने की एक और अपने नाम की बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, इंदौर में 60 प्लस बुजुर्गों का 100% किया गया वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग ने 30,13,096 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा था लक्ष्य। वैक्सीनेशन अधिकारी तरुण गुप्ता ने बताया कि इंदौर में बुजुर्गों को टीकाकरण करने का लक्ष्य जो रखा गया था, शुरुआत में वैक्सीन हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर और 60 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन से शुरुआत की गई थी। उसका लक्ष्य था 30,13,046, जिसके बाद 3,10,000 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका और 60 प्लस लोगों का 100% कोरोना टीका लगाकर अचीव कर लिया गया है। चूंकि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरुआत से शुरू किया गया था और वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह भी ज्यादा था, साथ ही ड्राइविंग वैक्सीनेशन और महाअभियान के तहत आसानी से टीके लगवाए, यही कारण रहा कि इंदौर में 60 प्लस बुजुर्गों का टारगेट 100% हासिल किया। गौरतलब है कि इंदौर जिले में 28 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट रखा है। फर्स्ट डोज की बात करें तो फर्स्ट डोज 23,91,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जो कि 85% टारगेट पॉपुलेशन का है। दूसरे डोज की बात करें तो 5,42,000 सेकेंड डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं, जो कि हमारे टारगेट का 24% है। 60 प्लस लोगों का टारगेट जो आप लोगों ने रखा था वो अचीव कर लिया है। पहला डोज कितना टारगेट था सर, और सेकंड डोज भी निकला जी? देखिए, जो हमारा टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि सबसे पहले वैक्सीनेशन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन के बाद जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 60 प्लस के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हुआ था। उसका लक्ष्य जो हमारा था 3,13,046 लोगों का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट हमने 3,10,000 वैक्सीनेशन अभी तक हम कर चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट से 100% अचीव कर चुके हैं। चूँकि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन काफ़ी शुरुआत से चालू हो गया था और मोबिलाइजेशन भी अच्छा देखने को मिला लोगों में, उनमें उत्साह भी था काफ़ी। ड्राइव इन भी हमारी जो फैसिलिटी थी उसके कारण भी लोगों ने आसानी से आके टीका लगवाया, यही कारण रहा कि हम इसका हमारा जो टारगेट था उसका हमने 100% अचीव किया। तो सर, ये माना जा सकता है कि प्रदेश में इंदौर ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीन की बात की जाए बुजुर्गों की, तो अब तक 100% वैक्सीनेटेड हैं बुजुर्ग जी? अभी तक जो हमारा जो लक्ष्य हमें दिया गया था उसको हमने अचीव किया है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है जी? ठीक है, अब सेकंड कर लेते हैं सर। जो टारगेट था सर, वो हमारा टारगेट कितना है, हमने कितना अचीव कर जी? इंदौर जिले में करीब 28 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है, जिसमें से अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें तो करीब 23,91,000 लोगों को हमने अभी तक फर्स्ट डोज लगा चुका है, जो कि 85% है हमारे टारगेट पॉपुलेशन का। उसी प्रकार अगर हम द्वितीय डोज की बात करें तो ये 5,82,000 अभी तक डोजेस सेकेंड डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट का 24% है। आज भी वैक्सीनेशन कंटिन्यू है, ये और भी इम्प्रूव होगा, इस प्रकार हमें ये टोटल डोजेस लगाना है। अभियान में कोई गति मिली है? कितने वैक्सीन सेंटर बनाए गए और अभी तक कितने वैक्सीन लगा दिए जी? आज वैक्सीनेशन के लिए हमने करीब 218 सेंटर पूरे ज़िले में बनाए गए थे, जिसमें कि 80,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोविशील्ड के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए जा रहे हैं और कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। इस प्रकार ये वैक्सीनेशन अभी शाम 5 बजे तक करीब 54,000 हमने वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं। अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, जो कि 6 बजे तक कई सेंटरों पर चलते रहते हैं।